जमीनी विवाद में एक व्यक्ति पर हमला फायरिंग करने का भी आरोप। थाना नारही क्षेत्र गांव गड्ढे हंसराम में जमीनी विवाद का मामला। मौके पर हथियार एक युवक का वीडियो भी वायरल। एसपी सिटी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, चार लोगों के नाम किया गया है। मुकदमा फिरोजाबाद थाना नारही क्षेत्र गांव गड्ढे हंसराम में जमीनी विवाद के चलते ट्रैक्टर से खेत जोतते जाने पर एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान उक्त व्यक्ति 42 वर्षीय सतेंद्र पुत्र जिमपाल बाल बाल बच गया। सूचना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस उक्त व्यक्ति को मेडिकल को जिला अस्पताल लेकर आई। वहीं मौके का एक युवक द्वारा हथियार लिए वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल मेडिकल को आए व्यक्ति सतेंद्र का कहना है कि 3 महीने पहले जमीन का बैनामा कराया था, जिसको लेकर आज खेचोट निकले थे। इसी दौरान खरसा हथियार लेकर घेर लिया, सीधा फायर किया, जो कनपटी के साइड से निकल गया। फिलहाल मेडिकल कराने के साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एसपी सिटी ने बताया जी, क्या नाम है आपका? सतेंद्र। सतेंद्र जी, किस तरह से घटना हुई है और क्या है? हम अपने ट्रैक्टर से खेत जोतने के लिए गए, अपना खेत जोत रहे थे। वो लोग मतलब हमें हथियार और खस्सा और फोन आले गए, उन्होंने सीधा फायर दिया और फायर करना पड़ती है। निकला वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो कौन है? रोहित। आखिर मामला क्या है, क्यों हथियार लेके आया था वो? जी, जमीन बैनामा करवाया उन्होंने उसका। कितने समय पश्चात? 3 महीने पहले। फिर आप गए तो फिर क्या हुआ? फायर दिया, गोली मारी। आप कहाँ आए हैं? 5 राउंड मारे गोली। थाना कौन सा है? और सर, थाना नारकी क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक व्यक्ति के हाथ में कुछ असला दिखाई दे रहा है, किस तरह का मामला है ये? थाना नारकी के गढ़ी हंसराम से संबंधित एक घटना के संदर्भ में वीडियो है। इसमें तत्काल मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर दिया गया है चार अभियुक्तों के विरुद्ध, और उनकी सघनता से तलाश की जा रही है। टीमें निकली हुई हैं, शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।